मैम, मेरे स्टूडेंट के घर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, मुझे लगा ही था। ये देखिए प्रूफ। फादर कम्स फ्रॉम ऑफिस, फादर गेट्स एंग्री, सीइंग हिम मम्मी शाउट्स एंड फादर विथ बेल्ट। डिस्गस्टिंग, पीयूष के पापा ऐसे। मैम, पीयूष के मम्मी पापा आ गए, अंदर भेज दो। हाँ। जल्दी आइएगा जी। मिसेस शर्मा, ये चोट। अच्छा, ये चोट मतलब और भी जगह पे चोट लगी है मैडम। ये हम गाड़ी से गिर गए थे ना, जब ये गाड़ी चला रहे थे तब का है। अच्छा, तो आपको नहीं लगी चोट? अरे ये गाड़ी से कूदेंगी तो हमें कैसे चोट लगेगी? तो कहीं नहीं रुके आप, कहीं नहीं रुके, कुमार कुल्फी वाले के पास कहीं नहीं रुके, हमें बताओ। अरे कैसे लेके जाए, वहाँ कितना भीड़ था, गाड़ी कहाँ लगा? क्यों लड़ रहे हैं आप यहाँ पे, शांत रहिए। लिसन टू मी मिस्टर एंड मिसेस शर्मा। या लिसनिंग। ओके, लिसनिंग। सो वी हैव कन्वेन्ड दिस मीटिंग टुडे टू एंगेज इन अ प्रोफाउंडली सिग्निफिकेंट डिस्कोर्स कंसर्निंग द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ योर चाइल्ड एंड द डोमेस्टिक हैबिटेट व्हिच हैज बीन एक्सर्टिंग एन इन्फ्लुएंस अपॉन हिम। आई अंडरस्टैंड। बिल्कुल सही कह रही है मैडम, आप पीयूष वाह को सजा मिलनी चाहिए। हां ए जी, क्या कह रही है मैडम जी? अरे वही, तुम्हारे लाड प्यार ने बिगाड़ के रखा है पीयूष को। तुम अपना मोबाइल फोन देना बंद कर दो उसे। मैडम जी, एक ही तो बच्चा है, तो किसको करेंगे मेरे इतना लाड प्यार, किसको करेंगे बताओ? नहीं, मैं क्या कह रही हूँ आप समझ नहीं पा रहे शायद मिस्टर शर्मा। अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती, मैं आसान भाषा में बताती हूँ, ठीक है? आप दोनों का आपके घर पे जो बिहेवियर है ना, वो पीयूष पे बहुत अफेक्ट कर रहा है। मतलब उस छोटे से बच्चे के दिमाग पे क्या असर हो रहा होगा, सोचिए ना आप। अच्छा जी, अभी समझा हमको, मैडम जी वो बात कर रही है। आप मुंह क्यों छुपा रहे? काम ही ऐसा किया है ना। मैडम जी कैसे बात है ना, ये ना थोड़ा शाहरुख के फैन है ना, तो वो पीयूष के सामने भी कभी कभी शुरू हो जाते हैं। वो बात कर रहे हैं ना जी। नहीं नहीं, अब गलत समझ रहे हैं, मैं आपके प्राइवेट टाइम की या फिर आपके रोमांटिक होने की बात नहीं कर रही हूँ। मिसेस शर्मा, आप हमें बताइए कि ये घर पे आपको तंग करते हैं? तंग मतबल? मतलब ये कि आप इन पे डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं और ये इलीगल है, आपको 3 साल तक जेल हो सकती है। डर गई ना ए जी, ये डोमेस्टिक क्या होता है? लो, हम बताते हैं। हम बैठे डोमेस्टिक जहाज में। डोमेस्टिक जहाज जो होता है वो इंडिया के अंदर भारत के अंदर जहाज। एक मिनट ना सर जी, पहले हमको ये बताइए ये डोमेस्टिक वायलेंस जो है, वायलेंस हाँ वही ये डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो भारत के अंदर अनलीगल है, लेकिन अगर यही डोमेस्टिक वायलेंस हम नेपाल वाले चाचा के घर जाके किए तो वो भारत वालों के लिए लीगल हो जाएगा कि नहीं? हाँ कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं बताइए। हाँ, हो तो सकता है। क्या ये साले माल्या जैसे लौंडे लपाटे लोग शायद डोमेस्टिक वायलेंस करके देश विदेश घूमने जाते हैं और फिर भारत वाले इन्हें सजा नहीं दे पाते। ए जी, आप देश विदेश के कितने अच्छे जानकार हो। अरे अखबार पढ़ते हैं हम। शर्मा जी, आप बात को भटका रहे। मिसेस शर्मा, आप मेरी बात सुनिए, आप महिला हेल्पलाइन 181 पे अभी कॉल कीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप कॉल कीजिए, हम आपके साथ हैं। मिस्टर मिसेस शर्मा, आप कॉल कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैडम जी बताइए ना, आप कॉल कीजिए, आपके पैर से मिसेस शर्मा, आप ऐसा मत कीजिए, इसके मोबाइल पर मेरी चल रही है, आप ये मेरा फोन लीजिए, रुक लीजिए मिसेस शर्मा, अभी कॉल करिए। पर ये तो 3 ही नंबर है, बाकी नंबर कहाँ है? जो मिस्टर शर्मा सुनिए, आप, मैं और मैडम, हम तीनों मिलके पुलिस स्टेशन जाते हैं।
एक काम करते, NCW ही जाते हम लोग, सीधा वही जाते। चलिए आप मेरे सब। ए जी, ये क्या होता है? NCW ने पता। हारे NCW मतलब नेशनल कमीशन फॉर वुमन। हाँ, न्यूज भी देखते हैं हम। साले शर्मा, तुझे तो मैं ट्विटर पे ना कैंसिल ही कर दूंगा, तुझे दिखा दूंगा मैं क्या होता है। इसे शर्मा, आप मेरी बात सुनिए, आप अभी उठिए यहाँ से और सीधा चले वहाँ पे। शांत रहेंगे सब लोग। मिस्टर शर्मा, आप मुझे सच सच बताइए, आप अपने पत्नी पर घरेलू हिंसा करते हैं ना? आप उन्हें घर पे मारते हैं ना? हाँ, आप उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं ना? ओह एजी मैडम जी, हमारे पति ऐसे नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं करते तो आपका बच्चा कहानियां कहां से ला रहे? पढ़िए, ये दिखाइए। कहा लिखा? ए विनीता, ये पीयूष वा 9वीं कक्षा में कैसे चला गया? ए जी, आप पेपर में उल्टा पकड़े हैं। छठी में है वो, और वो 90 में हो सकता था, पर वो 3 साल उसका एक्सीडेंट हो गया ना, तो वो बेस्ट गया 3 साल रेस्ट के चक्कर में बेस्ट। पता है हमारी स्कूल में, मिस्टर शर्मा आप अभी तक बात की सीरियसनेस समझ नहीं पा रहे। अरे हम सब समझ गए ही पढ़ के। ये साउथ मूवी का कहानी बा, हमारा पूरा परिवार पिछले हफ्ते सिनेमा में देख रहे। अरे देखिए ना, सेम टू सेम पूरा कहानी छाप दिया, लगता है बॉलीवुड राइटर बनेगा। मतलब आपके घर पे ऐसा कोई माहौल नहीं है जिससे पीयूष को पढ़ने में तकलीफ हो? अरे मैडम जी, ऐसा कोई माहौल नहीं है हमारे घर में। वो पीयूष थोड़ा सा चंचल है ना, तो फिर वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है। आप कहाँ में कहाँ हमारा टाइम वेस्ट कर दिए, इससे अच्छा हम कोई शाहरुख का मूवी देख लेते हैं। अरे अरे शर्मा जी, वो जरा माफ करिएगा, हमको क्या लगा कि बेटे को छूने से पहले बाप से बात कर लेंगे तो ठीक रहेगा ना। आप जा सकते हैं, माय अपोलोजीज। ए जी, ये अपोलोजीज क्या होता है? बाहर जाके समझाइए ना, बाहर जाके समझाइए। अरे अपोलो नाम का एक लौंडा था, उसको सब लोग चिढ़ाते थे, तो फिर वो सबको बोला कि हमको चाहिए फुल इज्जत, तो फिर सब लोग उसे अपोलोजी अपोलोजी बोलने लगे, तो कहानी यही खत्म नहीं होती बिना, और भी बड़ी कहानी। कहाँ से आ रहा है समझ रहे आपको? हमारा ये नया वीडियो बात का पतंगड़, हमने ये नई सीरीज स्टार्ट की है, इसका अगला टॉपिक क्या होगा ये कमेंट्स में जरूर गेस करिए, और हम चारों को इस वीडियो में एक साथ देखकर आपको कैसा लगा वो भी हमें बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगला एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए प्रेस द बेल आइकन।